एंड वेलकम टू एडू प्राइड, प्राइड विद एक्सलेंस। मैं आपका जीके गुरु पंकज मिश्रा और आप मेरे बोर्ड पे देख रहे हो कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है राम जन्मभूमि। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है जय श्री राम और नीचे लिखा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट। आपको पता है कि अभी दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। अब ये राम जन्मभूमि क्यों बन रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको कुछ इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता दूं और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप रेगुलरली मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हो तो उसमें मैंने ऑलरेडी आज से तकरीबन एक दो महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अयोध्या डिस्प्यूट पे और उसमें मैंने पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है कि अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, मीर बाकी ने किस तरीके से बाबरी मॉस्क बनाया जो बाबर का आर्मी जनरल था, बाबरी मॉस्क इतना डिस्प्यूटेड क्यों है और सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की अगर हम बात करें सो आपको एक डेट पता होनी चाहिए, एक डेट पता होनी चाहिए। वो डेट ये है कि कुछ मैं आपको पहले बेसिक्स बैकग्राउंड बता दूं उसके बाद हम आगे की चीजें आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो बेसिक चीजें क्या है, ये एक डेट याद रखना 9th November 2019 इस पर्टिकुलर डेट को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ठीक है। इस पर्टिकुलर डेट को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो राम चबूतरा है और जो इनसाइड द प्रीमाइसेस थी वो सारा का सारा हिंदुओं का है, सो ये पूरा का पूरा जमीन, जो पूरा का पूरा जो जमीन था, जो डिस्प्यूटेड लैंड था, वो 5 acres ही डिस्प्यूटेड लैंड था, लेकिन जो पूरे के पूरे उस मंदिर प्रीमाइसेस को देख लोगे तो पूरा का पूरा जो लैंड था वो 67 acres के आसपास था। तो ये पूरा का पूरा जो लैंड है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हिंदुओं को दे दो और जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड था यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड था, सुन्नी वक्फ बोर्ड को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 acres इनको भी लैंड दे दी जाए लेकिन अयोध्या में कहीं भी दे दी जाए, लेकिन जहां पे हिंदुओं का दावा था उस पर्टिकुलर एरिया पे बोल दिया कि हिंदुओं का ही कब्जा रहेगा और ये पूरा का पूरा लैंड हिंदू को दे दी जाए। और ये जजमेंट कब आया था, 9 नवंबर 2019 को ये लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि 67 acres जो जमीन है वो पूरा का पूरा हिंदुओं का और हिंदू को दे देनी चाहिए। और साथ में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड एक उसमें टाइटल सूट फाइल किया था, टाइटल सूट का मतलब जमीन का डिस्प्यूट था, तो जो उसने टाइटल सूट फाइल किया था वो पूरी की पूरी जमीन तो उसे नहीं मिल सकती लेकिन 5 acres जो लैंड है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए अयोध्या में कहीं। तो और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक और चीज बात कही कि मंदिर कंस्ट्रक्शंस के लिए, मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए और ये ट्रस्ट मंदिर निर्माण का काम करेगा, ठीक है, और 3 महीने के अंदर इस ट्रस्ट का निर्माण हो जाना चाहिए। तो 9 नवंबर को ये जजमेंट आया और उसके 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। सो अभी भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाने की अनुमति दे दी है। तो आज का पूरा जो हमारा वीडियो होगा, करंट अफेयर्स का जो सेशन होगा वो राम जन्म भूमि ट्रस्ट पे होगा। तो आइए दोस्तों एक एक करके पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला पॉइंट होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको फोकस करना है, जो पहला पॉइंट होगा कि भारत सरकार ने 15 members, फर्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं और आपके स्क्रीन पे पहला पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट अनाउंस 15 members ट्रस्ट नेम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि 15 सदस्य होंगे जो मंदिर का निर्माण करेंगे, जिनका काम क्या होगा, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस का, जिनका काम क्या होगा,
टेम्पल कंस्ट्रक्शन का, और जो ये ट्रस्ट का नाम होगा, जिस ट्रस्ट का नाम होगा उस ट्रस्ट का नाम है राम जन्मभूमि। देखो ट्रस्ट का नाम आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जो भारत सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट का नाम क्या है, ट्रस्ट का नाम है राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र, ये ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, तीर्थ, तीर्थ में यहां पे डबल आर नहीं होगा, टी ई डबल तीर्थ, तीर्थ ये होगा तीर्थ क्षेत्र। तो जो ये नाम होगा श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र, ये क्या है, ट्रस्ट का नाम है। पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया मैंने कि 15 मेंबर ट्रस्ट होगा। इस ट्रस्ट में सदस्य कितने होंगे, ध्यान रखना, इस सदस्य में जो टोटल मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर्स होंगे इस ट्रस्ट में, वो होंगे आपके 15। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा जिसमें मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 15 मेंबर ट्रस्ट होगा और इसका काम होगा टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, मंदिर निर्माण के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है और जिसका काम है मंदिर कंस्ट्रक्शन का, मंदिर निर्माण का। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा जिसमें लिखा है ट्रस्ट विल इंपावर टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड अदर सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 15 सदस्यीय टीम है, जो ट्रस्ट होगी, जो राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र, ये जो 15 पॉइंट है, इसका काम ये होगा, जो 15 सदस्य होंगे वो राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं होगा, सरकार का कोई रोक टोक नहीं होगा, ये स्वतंत्र बॉडी होगी, स्वतंत्र ट्रस्ट होगा जिसका काम होगा पूरा का पूरा राम जन्मभूमि का कंस्ट्रक्शंस करना, राम टेंपल का कंस्ट्रक्शन, भव्य राम मंदिर बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है, तो इस ट्रस्ट को दी गई है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड द होल लैंड दैट इज 67.730 एकड़ टू राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। मैंने अगला पॉइंट बताया कि ये जो लैंड है, जो डिस्प्यूटेड लैंड था ऑलमोस्ट 67 एकड़, ये पूरा का पूरा जो 67 एकड़ लैंड है वो किसको देना है, ये पूरे के पूरे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दे देना है, और यही लोग मिलकर क्या करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे। मतलब डिस्प्यूट तो 67 एकड़ पे था ना, तो 67 एकड़ के लैंड को अब किसको दे देना है, इस ट्रस्ट को दे देना है, इस ट्रस्ट को दे देना, और ये ट्रस्ट क्या करेगा, राम जन्मभूमि के निर्माण का काम देखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जो ये 15 सदस्य जो ट्रस्ट के मेंबर होगा, आपको मैंने क्या बताया कि इस ट्रस्ट में कितने मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे, इस ट्रस्ट में 15 मेंबर्स होंगे, और ये जो 15 के 15 जो मेंबर्स होंगे उसमें से एक जो मेंबर होगा, जो 15 में से जो वन मेंबर होगा, जो वन मेंबर्स होगा, वन मेंबर होगा, ये मेंबर जो होगा वो दलित कास्ट से बिलोंग करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये ट्रस्ट का नाम है जो मंदिर बनाएगा। ठीक है, और इस ट्रस्ट में टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे, और इस ट्रस्ट को कितनी जमीन दी जाएगी, ये क्या है, ये जमीन का नाम है, ध्यान रखना, ये इतना लैंड है, ये इतना लैंड है किसको दे दिया जाएगा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को, और 15 सदस्य में से जो एक सदस्य होगा वो क्या होगा, दलित समुदाय से होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो चार पॉइंट है, फर्स्ट फोर पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पांचवे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूपी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड टू ग्रांट 5 acre लैंड टू सुन्नी वक्फ बोर्ड एट धन्नीपुर विलेज इन अयोध्या। धन्नीपुर विलेज याद रखना। सो अगला पॉइंट ये है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो 67 एकड़ लैंड है वो तो हिंदुओं को दे दी जाए, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी लैंड देने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। सो इसीलिए 5 acre
एकड़ लैंड किसको दे दी गई है? सुन्नी सुन्नी वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ लैंड दे दी गई। कहां पे दे दी गई है? तो धन्नीपुर विलेज में, धन्नीपुर विलेज में। और धन्नीपुर विलेज कहां है? तो ये आपको अयोध्या में है, ध्यान रखना। तो जो 5 एकड़ लैंड दी गई है वो कहां पे दी गई है? धन्नीपुर विलेज में, धानीपुर विलेज में। धानीपुर विलेज कहां पे है? तो धानीपुर विलेज अयोध्या में, क्योंकि बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 एकड़ लैंड आपको क्या करना है? सुन्नी वक्फ बोर्ड को देना है। तो 5 एकड़ लैंड किसको दे दिया गया? सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा कि गवर्नमेंट ने फॉर्मर अटॉर्नी जनरल के पराशरन को इस ट्रस्ट का हेड बनाया है। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा कि के पराशरन इज द हेड ऑफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो इस ट्रस्ट के जो हेड होंगे वो के पराशरन होंगे। ठीक है, तो इस ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस ट्रस्ट के हेड कौन थे। तो इस ट्रस्ट के हेड है के पराशरन, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के पराशरन क्या है? इस ट्रस्ट के हेड है। के पराशरन इज द हेड ऑफ ट्रस्ट। और ये कौन है के पराशरन? तो के पराशरन फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, भारत के महान न्यायवादी रह चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेना जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा कि द विश्व हिंदू परिषद रिक्वेस्टेड टू राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टू कीप डिजाइन फाइनलाइज बाई द राम जन्मभूमि न्यास। राम विश्व हिंदू परिषद को रिक्वेस्ट किया गया है कि इस ट्रस्ट को क्या करेंगे? वो मदद करेंगे राम जन्मभूमि की डिजाइनिंग फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आप अभी का जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि जो विश्व हिंदू परिषद है, जो रिलीजियस संगठन है, उसको कहा गया है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को आप मदद करोगे किस लिए? टेम्पल निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए बोला गया है कि आपको उसमें क्या करना है? आपको मदद करना है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, आपको दिख रहा होगा कि टू प्रोमिनेंट प्रैक्टिसिंग हिंदू विल बी नॉमिनेटेड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। दो ऐसे हिंदू की नॉमिनेशंस की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, जो उस ट्रस्ट को देखेंगे, संभालेंगे। ठीक है, तो बोर्ड में इनका नाम रखा जाएगा हिंदू का। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा गया है कि टू हिंदू आईएएस ऑफिसर बिलो द ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल टू द गवर्नमेंट विल अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड द यूपी गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि एक यूपी सरकार का और एक भारत सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस ऑफिसर होगा जो इस ट्रस्ट में उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी ऑफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो अयोध्या का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा अयोध्या का, ध्यान रखना, अयोध्या का जो डीएम होगा वो क्या होगा? एक्स ऑफिशियो। अयोध्या का जो डीएम होगा वो एक्स ऑफिशियो क्या होगा? ट्रस्टी होगा। किसका? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का। यानी कि अयोध्या के जो डीएम को एक पावर दिया गया है कि इस पूरे ट्रस्ट के काम को देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। जो राम जन्मभूमि है, अगला पॉइंट आपको दिखेगा कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विल हैव 15 मेंबर, यानी कि इसके अंदर कुल 15 सदस्य हैं, और इन 15 सदस्य में जो पहले 9 सदस्य होंगे वो परमानेंट मेंबर होंगे। आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा होगा, 9 परमानेंट मेंबर्स हैं और 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो इस ट्रस्ट की अगर हम बात कर लें तो इस ट्रस्ट में टोटल 15 मेंबर्स होंगे, और इस 15 मेंबर्स में से, इस ट्रस्ट में टोटल 15 मेंबर्स होंगे, और 15 में से जो 9 मेंबर्स होंगे ये परमानेंट मेंबर्स होंगे, परमानेंट मेंबर्स होंगे, और जो 6 मेंबर्स होंगे ये नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। ये जो होंगे वो होंगे नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस 15 मेंबर्स में से
एक जो मेंबर होगा, 15 मेंबर्स में से एक जो मेंबर होगा वो दलित मेंबर होगा, यानी कि जो एससी एसटी कास्ट होगा। और हमेशा जब तक मंदिर का निर्माण हो नहीं जाता तब तक इस 15 मेंबर में से एक मेंबर जो होगा वो दलित समुदाय का होगा, दलित कास्ट से होगा। और उसका जो नाम होगा, जो जिसको सरकार ने अपॉइंट किया है उसको अपॉइंट किया, उसका नाम है कामेश्वर चौपाल। तो जो दलित मेंबर होंगे उनका नाम होगा कामेश्वर चौपाल। ध्यान रखना ये दलित मेंबर होंगे, ये दलित मेंबर होंगे, ठीक है। ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और जब से राम जन्मभूमि की लड़ाई शुरू हुई है तब से इन्होंने काम किया, इसलिए भारत सरकार ने इनको क्या किया है, एक दलित मेंबर के रूप में इनको अपॉइंट किया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑल नॉमिनेटेड मेंबर विल हैव प्रैक्टिसिंग हिंदू। ध्यान रखना जितने भी सदस्य होंगे इंक्लूडिंग जो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होगा यानी अयोध्या का जो डीएम होगा, सारे के सारे हिंदू होंगे। नॉन हिंदू इस ट्रस्ट के मेंबर्स नहीं हो सकते। और मान लो कि अयोध्या का जो डीएम होगा वो हिंदू ना हो तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अयोध्या के डीएम को हिंदू अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी जाके उस ट्रस्टी का वो मेंबर बन सकता है, एक्स ऑफिशियो बन सकता है। तो भारत सरकार ने बोला है इसमें जितने सदस्य होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, हिंदू होंगे। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि विश्व हिंदू परिषद इज प्लानिंग टू ग्रैंड 15 डेज राम उत्सव इन इंडिया एंड अब्रॉड। विश्व हिंदू परिषद ने डिसाइड किया है कि हम भारत में और भारत के बाहर हम 15 दिनों का राम जन्म उत्सव मनाएंगे, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद एक नोडल एजेंसी है जो राम जी के मंदिर निर्माण के लिए काफी दिन से लड़ाई लड़ रहा था, तो इसने डिसाइड किया है कि हम ग्रैंड राम जन्म उत्सव मनाएंगे भारत और भारत के बाहर भी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये जो फेस्टिवल होगा वो राम नवमी को शुरू होगा, यानी फेस्टिवल विल ऑर्गेनाइज अराउंड राम नवमी, दैट इज अ 2 अप्रैल 2020। So, ये लास्ट पॉइंट था, यानी कि 2 अप्रैल 2020 को राम जन्म भूमि को जो दे दिया गया है मंदिर निर्माण के लिए, तो एक ग्रैंड फेस्टिवल होगा और इसमें विश्व हिंदू परिषद जो होगा वो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराएगा। तो मैंने एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर किया है राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और एक एक पॉइंट को मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया है और आपको पॉइंट फॉर्मेट में पीडीएफ भी दिखेगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं उनके ऊपर फोकस करना, जो चीजें समझना है उसको आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। हर बार की तरह मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ आपको नया दूं, नया समझाऊं और नए एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।